हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्त, आपको ये बात पता है कि हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने चीजों को बहुत खूबसूरत ढंग से किया था। खूबसूरत मतलब ब्यूटीफुली है, बहुत ही बढ़िया से किया था। हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था और चीजों को कैसे कैसे करना वो भी मैंने बताया था। कुछ चीजें मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी समझा दिया था। जो आपके डाउट होने चाहिए वो मैंने, मुझे जहां तक लगता है कि मैंने वो क्लियर करते हुए सवालों को किया था। ठीक है, आज सेकेंड लेक्चर है और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, हालांकि ये आपका परम कर्तव्य है जिसको हम बोलते हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कहना तो नहीं चाहिए आपको, कर देना चाहिए, बट फिर भी अब तक नहीं किया तो आगे करते रहो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, उसको जहर की तरह है। ऐसा होता नहीं है, एक मुझे ना, मैं मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं बचपन में, देखो बचपन नहीं, हर किसी को मरने से बहुत डर लगता है, मुझे अच्छी तरह याद है। तो कोई जहर का नाम लेता तो मेरे मन में एक ऐसा आता था, ये ऐसी चीज है कि अगर कोई अच्छी भी चीज खाने के लिए देना तो हम उससे दूरी बनाने लगते हैं कि नहीं, ये अगर ये बोल के दे इसमें जहर है, मजाक में ही बोल दे ये जहर है, तो कोई अच्छी भी चीज होगी ना तो उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये है कि हमें जीने की बहुत ज्यादा इच्छा है। तो सेम इस तरह से अपने माइंड को ऐसे डेवलप करो कि ये जो है ना, ये जो तुम्हारी कमजोर सी चीजें हैं, जैसे शारीरिक, बौद्धिक या फिर मानसिक, ऐसा सपोज करो ये अच्छी चीजें, लेकिन ये जहर है, और अगर जहर है तो उसे दूरी बनाना स्टार्ट करो। समझ रहे नहीं? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हो सवाल बहुत ही प्यारा है। और होगा कैसे? होगा, जरूर होगा। पढ़ तो ही बात सही, ऑप्शन गायब है। अच्छा, कोई बात नहीं, है ना, एक्स वाई, यहाँ पे जेड है, ये हमेशा टू लेके जाता है, एक्स वाई जेड। एक काम को क्रमशः 46, 92 और 23 दिनों में, तो x किसी काम को 46 दिनों में, y उसी काम को 92 डेज में, और z उसी काम को सर 23 डेज में। आप ये बात जानते हैं कि इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 92 ही निकलेगा। इफिशियंसी इसकी 2 निकलेगी, इसकी 1 निकलेगी, इसकी 2 से 4 निकलेगी, ये आप सभी को जानकारी है। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे आगे। कह रहा है एक्स ने काम शुरू किया 7 दिन के बाद। भाई एक्स ने 7 दिन तक काम कर दिया बच्चे, यानी कि 7 दिन 2 क्षमता से काम किया, तो कुल मिला के सर 14 काम कर दिया इसने, है ना, 7 दिन तो इसने काम किया। आगे बढ़ोगे तो लिखा है कि वाई उसके साथ जुड़ जाता है, 7 दिनों के बाद वाई जुड़ जाता है। इसका मतलब 7 दिनों के बाद वाई जुड़ा, वाई का मतलब एक्स प्लस वाई नहीं, इन दोनों की इफिशियंसी जुड़ जाएगी, इफिशियंसी है 3। लेकिन ये एक दिन चलेगी, पूछो कैसे, क्योंकि 8वें दिन कौन जुड़ जा रहा है, 8वें दिन जुड़ जा रहा है सर वाई। तो इसका मतलब ये है कि 7 दिन अकेले एक्स करता है, 8वें दिन एक्स और वाई दोनों मिलके करते हैं, लेकिन 8वें दिन कौन जुड़ जाता है दोस्त, सी जुड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जेड जुड़ जाता है, जेड एक्स वाई इन दोनों की इफिशियंसी मिला के 7 होगी। कह रहे ये दोनों मान लो एक्स दिन काम करते हैं, एक्स दिन नहीं, इसको हम ए ले लेते हैं क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी है, ए दिन काम करते हैं और टोटल काम खत्म कर देते हैं, टोटल काम, ठीक है, तो खटाखट इसको कर लो, प्लस हो गया यहाँ पे 3 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 92। दोस्त यहां से जब ए की वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करोगे तो आप पाओगे कि ये 17 हुआ, 92 में से 17 गया तो आया 75 और बटा 7। आप ये भी बात जानते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 सही 5 बटा 7, ठीक है, यानी कि जो बाकी का काम, शेष काम है, बचा हुआ काम है, वो कितने दिन में खत्म होगा, वो 10 सही 5 बटा 7 दिन में। आपको ये बात पता है कि इसी टाइम से तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, वाई कितने दिनों में काम, कितने दिनों तक काम किया, तो वाई तो एक ही दिन और एक्स्ट्रा काम कर रहा है, यानी इतने दिन तो तीनों मिलकर कर रहे हैं, लेकिन एक दिन और एक्स्ट्रा कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इसको जोड़ना पड़ेगा और हमारे पास जो अब आंसर आता है 11 सही 5 बटा 7, ये आपका करेक्ट आंसर, ये आपका राइट आंसर है, वाई इतने ही दिन काम करेगा। आगे चले,
नेक्स्ट सवाल अगला। देखो बच्चा, ये सवाल तो अगर आप नहीं कर पाए तो मुझे तो लगता है कि आपके लिए बहुत शर्म वाली बात है। ये बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत ही छोटा, ठीक है। सवाल पढ़ोगे तो पाओगे, कह रहा है 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि M1 और D1 मिलके W बनाते हैं, तो M1 और D1 मिलके W बनाएंगे, इसका मतलब काम कितना मेरे पास 600, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई W बनाता है, तो 600 ये मेरा W है। आगे जब पढ़ोगे कह रहा है उन्होंने काम शुरू करना शुरू कर दिया, लेकिन चार आदमी 10 दिन बाद चले जाते हैं, इसका मतलब ये जो 20 आदमी है ना सर, 20 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, तो आप बताओ कितना काम कंप्लीट हो जाएगा। सर आप कहेंगे 200 काम कंप्लीट हो गया, बचा मेरे पास 400 काम। अच्छा जी, कह रहा है चार आदमी चले गए, 20 में से चार आदमी चले गए, बचे कितने? सर 16 आदमी बचे। कह रहा बताओ ये 16 आदमी कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? सर आपको समझ में आ रहा होगा कितना लगेगा? 25 दिन। क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बच्चे कार्य हमें पता है कि अगर कह रहा है पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो आप जानते हैं 10 दिन तो मेरी बात समझना ध्यान से, 10 दिन तो यहां लगे हैं और 25 दिन यहां लग रहे हैं, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ? सर 35 दिनों में। अब ये मत 25 मार के मत निकल जाना, अगर रिमेनिंग वर्क बोलता, देखो हाउ मेनी डेज वुड द वर्क बी कंप्लीटेड, मतलब कितने दिनों में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये 35 होगा। कैसे? 10 दिन तो पहले ये 20 के 20 कर रहे थे, 25 दिन किसने किया? 16 आदमियों ने किया, तो कुल मिला के 35 डेज हो गए। क्लियर है? अगले सवाल पे चलते, और कुछ वैसे ही है तो इसको जरा करना पड़ेगा, इसको पढ़ो, थोड़ा सा लंबा है बट ये कि सवाल सेम है, वैसे ही है उसी तरीके से जैसे मैंने किया। कह रहा एक हॉस्टल में मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिन का भोजन, यानी कि 350 कुल मिला के इतना खाना खा जाएंगे। ऐसे बोलो कि अगर वर्क में मानना चाहता हूं तो इतने लड़के हैं 25 दिन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई वर्क ही होगा, होगा कि नहीं होगा? अब कह रहा सर कि 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़के दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित हो जाते हैं, मींस वो अपने हॉस्टल को छोड़ देते हैं, कब? 10 दिनों के बाद। तो आप सर ये जानते हैं कि 350 लड़के 10 दिन तक तो खाना खाए, लेकिन 10 दिन के बाद बेटा काम छोड़ के, आई मीन हॉस्टल ही छोड़ के चले गए। अच्छा हॉस्टल छोड़ा, हॉस्टल छोड़ा, कितने लड़कों ने छोड़ा? सर हमें पता नहीं है, तो सपोज करो कि हमने एक्स लड़कों से हॉस्टल छोड़वा दिया, एक्स लड़कों से हॉस्टल छोड़वा दिया। कह रहा जो एक्स लड़कों से हॉस्टल छोड़वा दिया, ठीक है, तो ये जो खाना बचा ना वो कितने दिन तक चलेगा? वो कह रहा है कि ये पाया गया कि 21 दिन का और प्रबंध है, मतलब ये जो बचे हैं ना ये 21 दिन तक और खाना खा सकते हैं, और 21 दिन तक खाना खाएंगे खाना हो जाएगा खत्म। आप खुद ही बताओ कि ये 25 लड़के इतने दिनों में, आई मीन 250 लड़के 25 दिन में टोटल खाना खा रहे थे, और ये वाले भी मिलके टोटल खाना ही खा रहे हैं, इसका मतलब ये कि इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये भी टोटल खाना खा रहे थे, ये भी टोटल खाना खा रहे थे, दोनों टोटल ही है तो दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। आई बात समझ में? इसी को सॉल्व करना बेटा, इसमें ट्रिक तुम्हें लगानी पड़ेगी, करना पड़ेगा। कैसे? देखो 21 का गुणा इसमें करोगे और यहां 10 है, तो 21 और 10 कितना होगा सर बताओ मुझे? 31 होगा। सर 31 को मैं इधर लेके आऊंगा तो मैं ये जानता हूं सर, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, उसको प्लस करने के लिए 31 को मुझे पहले लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? 21x माइनस 21x, और माइनस को अगर मुझे प्लस करना है तो इस वाली चीज को जो इधर आएगा माइनस होगा उसको मुझे पहले लिखना पड़ेगा, इसका मतलब प्लस बनाना पड़ेगा तो ही वो चीज प्लस बनेगी, ये बात आप जानते हैं। तो 31 गुणा 350 मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, माइनस ये प्लस था तो ये माइनस होगा, क्यों? क्योंकि इसको हम प्लस बनाना चाहते हैं, इसका मतलब 350 गुणा 25 दैट इज इक्वल टू, सर दैट इज इक्वल टू 21x। आप समझ सकते हो कि 350 मैं कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या? गुणा 6, 31 में से 25 जाएगा, बच्चा बटेगा 6। और अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 21 से मैं डिवाइड कर दूं, बस इतनी सी तो बात है। तो 3 7 21 7 5 35, यानी कि यहां हो गया 50, है ना? मेरी बात समझ रहे हो? यहां हो गया तो x की वैल्यू सर आ गई, सर x की वैल्यू होगी 100, कितनी आगे? सिंपल सी बात है ये, 100। क्लियर हो गया ना इतनी बात? तो अगर नहीं क्लियर होगा तो एक दो बार और रिपीट कर देना इसको, ठीक है? मतलब आई मीन थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से देख लेना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना ही डायरेक्ट किया है और मैंने चीजें समझा के किया, ठीक है?
ये बाबू नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हालांकि मैंने ये बताया भी होगा कि जो पैसे बढ़ते हैं ना वो इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ते हैं। ये मैंने पिछले ही सेशन में कराया था। अब सपोज ये करो कि पैसे बढ़ चुके हैं, अगर मुझे पैसे का रेशियो लेना है तो इसका मतलब ये है सर कि जो पैसे का रेशियो होगा वो भी तो इफिशियंसी के रेशियो के बराबर होगा, समझ लो। जैसे वहां पे इफिशियंसी का रेशियो पैसे के रेशियो के बराबर होता था, तो हम उल्टा भी तो कह सकते हैं कि पैसे का रेशियो इफिशियंसी के रेशियो के बराबर होगा। याद करना पहले सेशन का, आई मीन वर्क एंड टाइम का दूसरा या फिर तीसरा सवाल ऐसे था करके, और उसमें हमने इफिशियंसी को प्रॉफिट के इक्वल किया था, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इफिशियंसी के रेशियो के, उल्टा कह सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आप समझोगे, तो जीरो से जीरो कट गया, 12 9 x 8 ये 12 हो गया, 3 से काटोगे तो आएगा यहाँ पे 3। याद रखना ये इफिशियंसी का रेशियो है सर, टाइम का रेशियो ठीक उल्टा होता है, क्या होता है, ये 4 होगा ये 3 होगा। अब भाई साहब देखो ध्यान से आगे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि पी पूरे काम कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ये पी है और ये क्यू है, आपको ये बात जानकारी है। कह रहा है कि ये 20 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी सर 15 होगी, यानी एक पी किसी काम को 20 दिन में, क्यू किसी काम को 15 दिन में, तो टोटल काम कितना होगा सर, टोटल काम 60 होगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम ही 60 होगा, इफिशियंसी हमें दे रखी है पहले से ही, तो इसका मतलब इफिशियंसी से हमें भाग लेना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, यहाँ भी ऑप्शन गायब है पर कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो 7/56 होगा, 56 और 4 60 हुआ, तो कितने दिन लगेंगे भाई दोनों को मिलकर काम करने में, 8 सही 4/7, 8 सही 4/7, बोलिए हाँ या ना, क्लियर है। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, वो ये है, कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रम से 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, बाद में बी सी को प्रतिस्थापित कर देता। बच्चा याद ध्यान से सुनना मेरी बात, ए और बी इतना काम मिलकर करते हैं, तो आप मुझे बताओ ए और बी जो काम कर रहे हैं वो टोटल काम है, मान क्या सकते हो 36, 12 3 36, 12 18 2 36, ये इनकी इफिशियंसी है, इन दोनों की इफिशियंसी जब इन दोनों की इफिशियंसी जब जोड़ोगे तो आएगा 5, ठीक। सवाल ये कह रहा है कि 4 दिनों तक ये मिलके काम करते हैं, तो 5 6 20 हो गया, 20 काम तो ये करके बचा हमारे पास 16 काम, 16। कह रहा अब बी वाला हट जाता है, किससे, सी से हटा दिया जाता है, और ए और सी मिलकर अब काम करेंगे, और 4 दिन में हो जाता है काम, 4 दिन में काम खत्म हुआ, तो कुल मिला के हमारी पास जो क्षमता हुई वो 4 क्षमता से काम हो रही थी बच्चा, 4 क्षमता से 4 दिन में 16 काम को 20 में, आपको पता है। अब हमें ये पता है ए की क्षमता तो 3 है उसमें, लेकिन जो सी की क्षमता वो डेफिनेटली फिर 1 होगी, है भाई, क्योंकि अगर ए और सी मिलके काम कर रहे हैं, दोनों की क्षमता 4 है, ए की अकेले 3 है, तो सी की 1 ही होगी। आगे आपसे क्या कह रहा है, सी उसी काम के 50% को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, भाई ये काम काम कितना है सर 36, 50% क्या होगा सर 18, सर 18 काम को एक क्षमता से 18 ही दिन में सी करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। देखो सारे देख लो शिफ्ट में किस किस शिफ्ट में सवाल आए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कह रहा ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को 8 12 दिन में कर सकते हैं, तो भैया 8 12 दिन में किया तो क्षमता आई मीन एलसीएम जो हो गया 24, ये 8 में करता है, ये 12 में करता है, 8 3 24 12 2 24। कह रहा उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, कह रहा कि पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है ए। मेरे दोस्तों यहां पे हम अगर ए पहले ही छोड़ के चला जाएगा तो हम ना एक काम करेंगे, एक को पकड़ लेंगे, बेटा और काम कर 2 दिन और काम कर, छोड़ के नहीं जाना 2 दिन वो भी काम कर, तो इसका मतलब ये है सर कि ये जो कंप्लीट होना था काम 2 दिन और कर देगा तो काम ही ज्यादा हो जाएगा यार, है ना, जो कंप्लीट करने के लिए था वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन ओवर टाइम कर गया, ओवर टाइम करा, तो ओवर टाइम कराएंगे तो ये काम ही बढ़ जाएगा। अब एक ही क्षमता है दोस्त 3,
दो दिन काम कराया तो सर छह काम और कर दिया इसने, तो टोटल काम कितना हो गया सर 30 काम। अब ये टोटल काम सर दोनों मिलके करेंगे, यानी तीन दो पांच क्षमता से, भैया पांच क्षमता से अगर करने लगे तो आप बताओ कितने दिन में काम कम्प्लीट हो जाएगा सर? छह दिन में। बस यही आपको करना था, यही आपको करना था। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हमें x मानना पड़ेगा, x माइनस टू करना पड़ेगा, तो x दिनों तक ये काम करेगा, x माइनस टू दिनों तक ये काम करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, जोड़ोगे, 24 से इक्वल कर दोगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। लेकिन ऐसे कर दोगे तो सिंपल ही आपका आंसर आ जाता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कॉमेंट कर देना, मैं दोबारा इस चीज को एक बार कर दूंगा, ठीक है? हाँ भैया देखो ये पंचर है, पंचर वाले सवाल भी आने लगे, ठीक है? चलो भैया आपको बनाना है पंचर, कह रहा है एक टायर में दो पंचर है, एक टायर में दो छेद है, पहला पंचर 45 मिनट, दूसरा पंचर 60 मिनट में टायर को पिघला देता है। तो भैया एक तो 45 मिनट है, एक है 90 मिनट। आपको पता है कि हम काम मानेंगे 90, काम मानेंगे 90 तो इसकी एफिशिएंसी 2 होगी, इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। चलिए भैया तीन एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में काम खत्म कर देगा सर? 30 दिनों में। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम था सर, बच्चों वाला काम था कि नहीं था? आप खुद ही बताओ, था कि नहीं था? हाँ सर बिल्कुल, ये भी बच्चों वाला काम है सर। आपको पता है कि 35 × 70 7 × 21 का मतलब काम ही मेरा 210 है। ये मैंने आपको बताया अमाउंट इवन काम होता है। कह रहा है कि सात आदमी उसी काम के आधे हिस्से को, आधे हिस्से का मतलब क्या है सर? आधा हिस्सा ये रहा। सात लोग कितने दिन में करेंगे? तो 7 × 2 = 14, आप चाहो तो 7 ऐसे कर सकते हो, ठीक है? 7 × 21 = 3 हुआ, आधा करोगे तो 15 डेज, ठीक है? 15 डेज है ना। ये है गजब सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको जरा करिए, करके देखने का प्रयास करिए। देखो आपसे कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है। बी से 40% अधिक का मतलब अगर ए फाइव बी फाइव होगा तो ए सीधे सीधे 8 होगा। ये आप समझ रहे हैं, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। मेरे कहने का मतलब ये 2/2, अरे वेट वेट मेरे दोस्त, वेट वेट, इसको 2/5 लिखेंगे तो ये होगा 7, ये एफिशिएंसी का टाइम का रेशियो, ठीक है? टाइम का रेशियो। अब आगे आपसे बात ये की जा रही है कि वे उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। बेटा आपको बताओ 7, 5, 12 12 तो एफिशिएंसी होगी। अगर 15 दिन काम कर रहे हैं और काम खत्म हो जा रहा है तो काम कितना है सर? इतना ही तो काम है, 180 है कि नहीं? इतना ही काम, इसी काम को कर रहे हैं। क्या है, एक काम शुरू किया और 15 दिन के बाद छोड़ दिया। भैया ए ये रहा, 15 दिन तक काम करेगा तो 15 × 7 सर 105 सर। अगर 105 ये कर जा रहा है तो बचेगा क्या सर? 75 काम। कितना बचेगा? 75 काम। कह रहा कि बी चला, ए चला गया, अब बी और सी मिलकर इसको कर रहे हैं और 10 दिनों में खत्म करें। सर 10 दिनों में खत्म करेंगे तो इफिशियंसी कितनी होगी सर? इफिशियंसी आप कह सकते हैं कि 5 25 15 25 75 यानी कि हो गया 15 और यह होगा 5 × 10। इफिशियंसी आप कह सकते हैं सर 7.5 हो सकती है। आप मुझे बताओ कि बी की एफिशिएंसी कितनी है सर? बी की एफिशिएंसी इतनी है तो सी की कितनी होगी सर? सी की 2.5 होगी। सी की कितनी होगी? 2.5 होगी, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सी की 2.5। अगर सी की एफिशिएंसी 2.5 है तो आप ये बताओ कि टोटल काम कितना सर? टोटल काम 180 है। कह रहा इसका एक तिहाई बताओ सर। एक 180 का एक तिहाई कितना होगा सर? 60 होगा। कह रहा ये काम 2.5 से, 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 2.5 को, 2.5 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है? तो 25 × 100 = 6, अरे ठीक है, तो भैया 25 × 100 कर सकते हैं आप, 6 × 24 कुल मिला के 24 दिन में काम खत्म। ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं देखे जाता हूं होमवर्क होमवर्क, ठीक है? तो इसको आप करोगे और बच्चा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दोगे। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।